आराध्य श्रीराम की नगरी अयोध्या में श्रीराम मंदिर के नव्य भव्य स्वरूप के उद्घाटन व प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के शुभ अवसर पर जनपद वाराणसी में दिनांक 6 जनवरी को श्री रामोत्सव सबके राम का आयोजन किया गया। ये आयोजन संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में आयोजित किया गया। श्री रामोत्सव सबके राम के आयोजन में कई सत्र आयोजित किए गए। स्वस्ति वाचन, राम वंदन के साथ संगोष्ठी, भजन और नृत्य नाटिका की प्रस्तुतियां विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा की गई। साथ ही साथ हम निवेदन करेंगे हमारे अग्रज श्री आशुतोष शुक्ल जी से कि वह आप सभी लोग करतल ध्वनियों के साथ अपने स्थान से बैठकर मंच पर गणमान्य अतिथियों का स्वागत करेंगे और हम निवेदन करना चाहेंगे दैनिक जागरण के आउटपुट प्रभारी श्री शाश्वत मिश्रा जी से कि मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय संघ समिति आप सभी लोग करतल ध्वनियों के साथ हृदय से सम्मान पूर्वक स्वागत निवेदन करेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार अजय श्रीवास्तव जी से कि वो आकर के मंच पर उपस्थित हमारे धर्मशास्त्र कहता है अतिथि देवो भव। हमारे सामने देवता प्रत्यक्ष बैठे हैं अतिथियों के रूप में और हमारा यह सम्मान ही उन्हें हमें प्रेरित करता है कि वह हमें ऐसी दिशा प्रदान करें। इस रामोत्सव में कई विद्वान शिक्षाविदों ने उपस्थित होकर अपने विचार व्यक्त किए। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 22 जनवरी को हमारे सामने जो होने वाला है यह हम सबका संचित पुण्य है। एक बार उसके लिए जरूर उसके स्वागत है वो करना चाहिए। दैनिक जागरण और इस मंदिर आंदोलन का जो नाता है तो आप सब से बहुत लोग जानते हैं, बड़ा पुराना है और बिल्कुल आरंभ से और दैनिक जागरण के लिए उस समय के पूर्व हमारे स्वर्गीय प्रधान संपादक थे श्री नरेंद्र मोहन जी, उन्होंने इस बात को समझ लिया था और देख लिया था कि उस दौर में जब आज के जो यहाँ नौजवान लोग बैठे हैं वो समझ नहीं सकते कि हम लोग किस दौर से निकले हैं, लेकिन जो उस समय 30-35 साल के लोग थे, 25 साल के जो देख रहे थे, चीज़ों को महसूस कर रहे थे, बहुत कठिन था पर ऐसे में उन्होंने देखा और समझा कि धर्म जो है वो उसका स्वरूप क्या है। सबके राम और राम के सब हैं, हम सब राम से निकले हैं और राम में जाना है। जब राम से निकलते हैं तो अंधेरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उस अंधेरे को चीर करके पुनः उस ज्योति रूप राम की तरफ हमको बढ़ना है, क्योंकि राम ज्योति रूप हैं और जब जीव ज्योति से निकलता है तो जितना आगे जाता है उतना अंधकार में जाता है और जब अंधकार में जाता है तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये भवचक्र चलने लगता है। राष्ट्रीय चेतना के प्रणेता युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर दिनांक 12 जनवरी को जनपद वाराणसी के नदीसर क्षेत्र में स्थित विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत विकास परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व दर्शन पर प्रकाश डालते हुए उनकी जयंती को धूमधाम से मनाया गया।
ये बहुत जरूरी है कि कौन किसके काम आ रहा है। बड़े भारी विद्वान हैं, बड़े भारी रईस हैं, बड़ा बहुत धन है, बड़े भारी मीडिया कर रहे हैं, बड़े भारी नेता हैं, लेकिन विवेकानंद जी ने क्या कहा कि हमारी वो उपलब्धि किसके काम आ रही है, हम कितना सहयोग देश के लिए, जनता के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए कितना क्या कुछ कर पाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसी कड़ी में वाराणसी के अर्दली बाजार स्थित एलटी कॉलेज परिसर में गोपाल लाल विला स्मारक पर भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस स्मारक स्थल से शोभा यात्रा भी निकाली गई। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक विचारों पर रामकृष्ण मिशन के प्रबंधक स्वामी विश्वात्मानंद जी ने अपने मत व्यक्त करते हुए बताया, यहाँ स्वामी विवेकानंद अपना जीवन का अंतिम एक महीना तक रहे थे और ये उनके जीवन का अंतिम प्रवास था। यहाँ से ही रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चालू करने का और नामकरण हुआ, यहाँ से ही रामकृष्ण अद्वैत आश्रम चालू करने के लिए डोनेशन मिला था भृंग का राजा से। स्वामी विवेकानंद का जन्म ही वाराणसी के शिव की कृपा से हुआ है। उनकी माँ ने, माँ को कोई संतान नहीं हो रहा था और उन्होंने वीरेश्वर शिव की वाराणसी में मन्नत की और पूजा भेज रहे थे। उस शिव का आशीर्वाद स्वरूप उनको माँ के वहाँ जन्म हुआ बेटा का। जब उनका जन्म हुआ तब कलकत्ता में दक्षिणेश्वर में भगवान श्री रामकृष्ण ने एक दिव्य दर्शन देखा। काशी की ओर से एक प्रकाश का एक किरण आकर के जहाँ विवेकानंद का जन्म हुआ कलकत्ता में सिमुलिया एरिया में, वहाँ वह ज्योति विलीन हो गई। तब श्री रामकृष्ण ने समझ लिया कि मेरे साथ में जो योग पुरुष को मिलाने वाला था वह आ चुका है। संतों लोगों का हार्दिक स्वागत है।